दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो माता के किसी भी रूप की पूजा सदैव शुभ फलदायी होता है, लेकिन दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में राशियों के अनुसार किसी विशेष माता स्वरूप की पूजा का प्रावधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इंसान अपनी राशि अनुसार देवी के किसी विशेष स्वरूप की पूजा करे तो उसे शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त होता है। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि राशि के अनुसार माँ दुर्गा के किस देवी स्वरूप की और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान मंथन चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों इस राशि के लोगों को स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तदशी या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। स्कंद माता करुणामयी है जो वात्सल्यता का भाव रखती हैं। वृषभ राशि। दोस्तों वृषभ राशि के लोगों को माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना से विशेष फल प्राप्त होते हैं। आप सब ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। अविवाहित कन्याओं को इस आराधना से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों बात करें मिथुन राशि की, तो इस राशि के लोगों को देवी यंत्र स्थापित कर माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही तारा कवच का रोज पाठ करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान प्रदाता विद्या के अवरोध दूर करती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। दोस्तों कर्क राशि के लोगों को माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी चाहिए। आप सब लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भगवती की वरद मुद्रा अभय दान प्रदान करती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। दोस्तों सिंह राशि के लिए माँ कुष्मांडा की साधना विशेष फल प्रदान करने वाली है। दुर्गा मंत्रों का आप सभी जाप करें। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ के हास्य मात्र से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। देवी बलि प्रिया हैं, अतः साधक नवरात्र की चतुर्थी को आसुरी प्रवृत्तियों यानी बुराइयों का बलिदान देवी चरणों में निवेदित करते हैं। बात करें कन्या राशि की दोस्तों, तो इस राशि के लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। आप सभी लक्ष्मी मंत्रों का सविधि जाप किया कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान प्रदान करती हुई विद्या मार्ग के अवरोध को दूर करती है। विद्यार्थियों हेतु देवी की साधना फलदायी है। अब बात करते हैं तुला राशि की। दोस्तों तुला राशि के लोगों को माँ महागौरी की पूजा आराधना से विशेष फल प्राप्त होते हैं। आप सब काली चालीसा या सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करें। यह पाठ जन कल्याणकारी है। माँ महागौरी की पूजा आराधना से अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं वृषक राशि की। दोस्तों वृषक राशि के लोगों को माँ स्कंद माता की उपासना श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती का आप सभी पाठ करें जो वात्सल्य भाव रखती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। दोस्तों इस राशि वालों को माँ चंद्र घंटा की उपासना करना चाहिए। आप सभी इससे संबंधित मंत्रों का यथाविधि अनुष्ठान करें। दोस्तों माँ चंद्र घंटा प्रतीक है उस ब्रह्मनाद का जो साधक के भय एवं विघ्नों को अपनी ध्वनि से समूल नष्ट कर देती हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। दोस्तों मकर राशि के लोगों के लिए माँ काल रात्रि की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आप सभी नरमान मंत्र का जाप करें। माँ काल रात्रि अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोप अग्निकांड आदि का शमन करते हैं और वे शत्रु का भी संहारक हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। दोस्तों कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए माँ काल रात्रि की उपासना लाभदायक है। आप सभी देवी कवच का पाठ करें। माँ काल रात्रि अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोपों का शमन करती हैं और वह शत्रु संहारक भी हैं। और अंत में बात करते हैं मीन राशि की। दोस्तों मीन राशि के लोगों को माँ चंद्र घंटा की उपासना करनी चाहिए। आप सभी हरिद्रा की माला से यथासंभव बंगला मुखी मंत्र का जाप करें। माँ चंद्र घंटा उस ब्रह्मनाद का प्रतीक है जो साधक के भय एवं विघ्नों को अपनी ध्वनि से समूल नष्ट कर देती हैं। तो यह था दोस्तों जानकारी कि राशियों के अनुसार माँ दुर्गा के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।